सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज हम बनाते हैं क्वेश्चन कोड है TRNBP1। यह टेस्ट सॉल्यूशन है। चलते हैं सवाल नंबर, आपका कितना नंबर से मैथमेटिक्स है देख लेते हैं। 76 नंबर से मैथमेटिक्स है TRNBP1, यानी एक नंबर का है। टेस्ट नंबर वन से स्टार्ट है, ध्यान से आप सभी देखेंगे। एक नंबर यहाँ सवाल नंबर 76 बोला जा रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है। सवाल नंबर 76 बोलता है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है। राम है उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है, मतलब ये एक है तो ये तीन होगा। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, तथा उसके पिताजी की आयु का 2/5 है। कौन? राम। राम जो है उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब 2/5 यहाँ आपको लिखना है। पिताजी 5 हो गया, राम 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि सेटिंग करना है कि राम इसमें भी राम उसमें भी है, जो नाम बराबर होगा उसके नाम को बराबर करना है। तो यहाँ पर राम 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें आप 2 से गुना करेंगे ये 6 पुट जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे ये 6 पुट जाएगा। तो हम लिखते हैं राम पुत्र और पिता। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं राम की आयु 6 और पुत्र की आयु 2 और पिता की आयु 15। उसके बाद आगे बोला जा रहा है यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो औसत मतलब होता है औसत को योग में कन्वर्ट करने के लिए जितना औसत है, जितना आदमी उससे गुना कर लिए वो योगफल बन जाता है। तो तीनों का योगफल ये हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 138 पड़ेगा। अब यहाँ तीनों का जोड़ 6, 2, 8, 15, 8, 23, तो 23 कलम का दाम इतना। तो एक कलम का दाम कितना निकालेंगे, 6 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में इसको काटते हैं, 3 × 2 = 6 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताइए, तो उसके राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर क्या है। राम और उसके पिता की आयु का अंतर, राम और उसके पिता की आयु का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, दोनों घटाओ कितना है 9। 9 कलम का दाम कितना होगा, 6 × 9 = 9×6 = 56 आंसर हो गया, उत्तर हो गया, 56 वर्ष आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर 9×56 लिख दिया, 9×54 होगा, 54 वर्ष आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया 54। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 77 पर आते हैं। सवाल नंबर 77 यहाँ पर कहता है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ध्यान से आप सभी देखेंगे, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो सेटिंग करने की जरूरत है, सेटिंग करना पड़ेगा आपको, सेटिंग कर लीजिए तो फिर सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पर बोलता है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो सबसे पहले 77 नंबर सवाल लिख देता है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ये कहता है जयेश अनिल से छोटा, इसमें अनिल इससे बड़ा होगा, जितना वह प्रशांत से बड़ा, प्रशांत सबसे छोटा, प्रशांत जो छोटा हो उसको एक मान लेते हैं, और इससे बड़ा जयेश है, ये बड़ा 2 कर लिए, उतना ही बड़ा अनिल होगा, ये 3 हो गया, ये सेटिंग हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योगफल 48 है, दोनों का जोड़ 48 है, दोनों का जोड़ कितना 4, तो 4 कलम का दाम 48 रुपये, एक कलम का दाम 12 रुपया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि जयेश की उम्र क्या है, जयेश की उम्र 2 है, 2 कलम का दाम 24 रुपया, यही आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया, समझ में आ गया होगा। सवाल क्वेश्चन पेपर आप निकाल के रखिए, क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद उसको क्वेश्चन देखते जाइए, उसके सवाल को हल करते जाइए, तब फिर मज़ा आ जाएगा आपको, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। टेस्ट वाला सॉल्यूशन है, जो चैप्टर नहीं पढ़े, कुछ स्टूडेंट जो चैप्टर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, टेंशन में नहीं आना है, जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन GK GS तो रटने वाला चीज़ है, याद करने वाला चीज़ है, उसको याद कर लेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी सवाल को देखते रहिए, देखते देखते आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है, 78। ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पर दिया जा रहा है 5:6। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पर 6 साल के बाद, कुछ नहीं बोला था, ये वर्तमान हो गया, उसका तो बोलता 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ वृद्धि 1 हो गया, यहाँ वृद्धि 1 हो गया, तो एक कलम का दाम जितना यहाँ लिखा रहा था उसका वैल्यू होता है, एक कलम का दाम छोड़ दिया। तो हमको पूछा है 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो बी के वर्तमान आयु 6 कलम का दाम 36 होगा, लेकिन 5 साल के बाद 5 जोड़िएगा तो 41 आपका आंसर हो गया, उत्तर होगा, 41 वर्ष आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं, 5 साल पूर्व पूछा जा रहा है ना, ये बाद निकल गया है,
बाद पूछेगा तो पांच जोड़ेंगे, पूर्व पूछा है पॉइंट से ले आएंगे। तो 31 आपका आंसर होगा, पूर्व में ये होगा बाद में ये होगा, जो एग्जाम में पूछे वो बना लीजिए। सवाल नंबर चार, सवाल नंबर ये आगे है 74, 78 हो गया, 79 पर हम चलते हैं। 79 नंबर सवाल आइएगा, 79 को देखते हैं, यहाँ चार नंबर लिखा गया है, 79 को देखते हैं। 79 नंबर ध्यान से आप देखिएगा, यह चार नंबर लिखा गया है उसको भी देख लेते हैं। इसी कारण से नंबरिंग गड़बड़ होने के कारण आंसर गलत हो गया और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ सवाल नंबर लिखा गया है ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष का बड़ा है, उसके बाद बोला जा रहा है परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए की एक तिहाई आयु के बराबर है, ए की एक तिहाई आयु के बराबर है, तो इसको ए अनुपात बी बराबर हम लिख सकते हैं, जो नीचे में रहता है उसी को लिखते हैं 3:2। तो यहाँ पर 16 साल का बड़ा है, बड़ा या छोटा का मतलब होता है दोनों घटाओ, तो एक कलम का दाम 16 रुपया। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको तो उनके वर्तमान आयु क्रमशः कितने, एक में 16 तो 3 में 48, 2 में 32, तो यही आपका आंसर है 48 और 32, 48 और 32 ऑप्शन नंबर बी ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, 79 नंबर पर चलते, 79 को देखते हैं। 79 नंबर सवाल कहा था राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, राकेश एवं योगेश ध्यान दीजिए, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, 79 राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 लिख दे, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है तथा इनकी इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, इनकी आयु का योग मतलब जोड़, दोनों का जोड़ 7, 7 कलम का दाम 28 रुपया, एक कलम का दाम 4 रुपया। तो आंसर पूछा जा रहा है तो 16 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 16 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है, एक में 4 तो 4 में 16, ये 3 में 12, लेकिन 16 साल के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि 16 साल के बाद तो 16 इसमें भी जुटेगा, 16 इसमें भी जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ने के बाद ये 32 होगा और ये 28 होगा, इसको 4 से कटा सकते 8 बार में, 4 से कटाएंगे 7 बार में, तो 8:7 उत्तर होगा, यही उत्तर होगा 8:7, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए आगे सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 80 पर आते हैं, 80 को समझिए, सवाल नंबर 80 यहां पर कहता है ध्यान देंगे, 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, मतलब 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है, मतलब क्या 13 × 13 हम कर लेते हैं तो टोटल योगफल बनेगा। 80 नंबर सवाल बोलता है 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है तो टोटल योगफल 169 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है जब दो लड़के समूह में और आ गए, दो लड़के और आ गए 13 × 2 = 15 हो गया, तो समूह की औसत आयु 2 बढ़ जाता, पहले 13 था तब 15 हो गया, ये 225 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है नए दो लड़कों की आयु का योगफल क्या, योगफल के लिए दोनों को घटा लिए, बस दोनों को घटाएंगे जो वही आंसर होगा, वही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 56 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 56, यह उत्तर होगा यही आंसर होगा, बस दोनों को घटा लेंगे वही तो आंसर होगा, दोनों का आयु का योगफल हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 81 नंबर सवाल बोलता है क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ी ने का औसत 36 रन था, 6 खिलाड़ी का औसत 36 रन था, 6 × 36 कर लेते हैं, टोटल योगफल बन जाएगा। अब उसके बाद बोला जा रहा है यदि उनमें से एक खिलाड़ी केवल 16 रन बनाए तो यह 216 हो जाएगा, एक खिलाड़ी ने सिर्फ 16 रन बनाया, 16 घटा लेते तो शेष खिलाड़ी कितना होंगे 200, पूछा शेष का औसत क्या होगा, तो एक घट गया तो 6 को में से घट गया 5 बचा तो शेष का औसत कितना होगा 40, ये उत्तर हो गया 40, शेष का औसत हो गया 40। अगले सवाल की ओर आते हैं 82 पर आते हैं, 82 को समझिए, 82 नंबर ध्यान दीजिए, 82 नंबर सवाल कहा था क्या है, 82 नंबर सवाल यहां पर बोला जा रहा है कि सोमवार से बुध बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 है, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु 4 दिन हो गया, तो 4 दिन का औसत तापमान 38 है, इसको गुना कर लेते 8 × 32 को 2 बाकी दो बाकी 3 तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 152। अब उसके बाद कहता है कि यदि सोमवार यदि मंगल से शुक्रवार तक का तापमान 40 है, मंगल हो गया बुध गुरु और शुक्र का औसत तापमान 40 है, 40 × 4 = 160। उसके बाद बोला जा रहा है यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो,
तो शुक्रवार का तापमान क्या है? तो आप सोचिए, अगर इसको हम घटाते तो सब जगह घटा हो जाएगा। मंगल मंगल खत्म, बुध बुध खत्म हो गया, बुध बुध खत्म हो गया और गुरु गुरु भी खत्म हो जाएगा। तो बच गया सोम माइनस शुक्र, सोम माइनस शुक्र बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। सवाल आगे का था, यदि यदि शुक्रवार का तापमान 40 है, ये 40 हो जाएगा तो यहाँ पर 40 रखिएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 + 40 इक्वल टू 48। तो आंसर पूछा जा रहा है, आंसर आपको बोला जा रहा है, तो बताइए कि शुक्रवार का तापमान क्या है? 48 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 48। 48 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 48 आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है, उसी तरह 83 का आप आंसर दे सकते हैं। 83 का आंसर देख बताएंगे क्या होगा, इसको गुणा करना और कुछ नहीं करना, गुणा जैसे इसको बनाए उसी तरह बनाइए। सबसे छोटी अवघात संख्या 84 नंबर, सबसे छोटी अवघात संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटा अवघात संख्या 2 होती है। ऑप्शन 85 नंबर कहता है, इनमें से अभाज्य संख्या क्या होना है? अभाज्य संख्या कहते हैं उसको जो कि स्वयं से कटे और आप उसको कोई दूसरा काटने वाला नहीं हो, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहले यहाँ लिखा है 1, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, ये 11 अभाज्य संख्या हो गया। अगला 86 पर आते, 86 18 पर पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, इसको कुछ नहीं करना, इसको तोड़िए, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, यहाँ पर 15, ये 3 पार्ट में टूटा, बस 3 गुना कर लिए, पावर है 15, 3 से गुना कर लेते हैं, ये 45 आंसर होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 45, ये उत्तर को 45। 87 नंबर आते हैं, 87 नंबर सवाल का था 42 पर पावर 13, उसी तरह 7 × 3 × 2 इस पर पावर 13, तो 3 पार्ट में टूटा, 13 × 3 करेगा 39 आपका आंसर होगा, 39, ये उत्तर हो जाएगा 39। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर आगे कहता है 88 पर आते हैं, 88 को समझते हैं, ये 3 बार में टूटा, यहाँ पर 3 बार में टूटा तो 3 से गुना करेंगे, 39 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 88 को देखिए, 88 को समझते हैं, 88 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, 88 नंबर सवाल 24 पर पावर 15 गुना 17 पर पावर 13 गुना 18 पर पावर 43 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 43 इस पर पावर, इसको करना है 24, 8 + 24 2 पर पावर 3 भी कर सकते हैं गुना 3 पर पावर 1 इस पर पावर 15 17 तो टूटता नहीं, 17 पर पावर 13 3 × 9 = 18 इस पर पावर 43। देखिए कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ देखिए, यहाँ 2, 3 पावर है, यहाँ 1 है, 1560 कर सकते हैं, या अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, तो यहाँ 3, 1, 4 1560 यहाँ हो गया, यहाँ 13 हो गया, अब यहाँ 3 यहाँ 1, 2, 1, 3 43 × 3 हो जाएगा, 43 × 3 बस इसी को जोड़ेंगे, 60 + 13 = 73 कर लेते हैं, प्लस 3 × 9 = 4 129, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 7 = 2 = 9 = 1 आपका आंसर होगा, यह उत्तर होगा 199 कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, 88 नंबर नन ऑफ दीज होगा, 88 नंबर का आंसर, 88 की ये आपका 3 दे दिया, 202 कहीं जोड़ने में तो गलती नहीं हुआ है, देख लेते एक बार। यहाँ पर देखिए इसको 24 आ गया, 24 पर पावर देख लीजिए, यहाँ 24 को यहाँ पर तोड़े तो 24 को तोड़ने के बाद कितना हो गया, 8 + 24 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1 ये 60 हो जाएगा, 3 × 1 = 4 60 हो गया, 15 से गुणा कर ली 60 हो गया, यहाँ 17 पर पावर 13 सिर्फ 13 हो गया, ये 73 पर यहाँ 73 होगा ना, ये 70 लिखा गया, इस कारण से आंसर नहीं मिला 73। अब इसको 9 × 3 = 12 बाकी 1 7 × 2 = 9 10 → 0 बाकी 1 202 बिल्कुल सही है, 202 ये आंसर हो गया, 202 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 और 3 और 5 और 6 को मिलाने वाले एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा? देखिए ध्यान से देखेंगे, ये एडवांस का सवाल आ गया है, ध्यान से आप सब देखेंगे, एडवांस का सवाल है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि सवाल नंबर 89 नंबर बोलता है कि बिंदु ए 2 और 3 और 5 और 6 को मिलाने पर
एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स अक्ष को होना चाहिए, एक्स अक्ष को किस विभाज किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको काटने के लिए कुछ नहीं है, एक्स अक्ष में वाई नियामक जीरो होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक जीरो होता है, इसको याद रखना। तो इसको कुछ नहीं करना, आप एडवांस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े उसी स्टाइल से बना देते हैं। यहाँ पर बिंदु है दो और माइनस तीन, यहाँ है पाँच और छः। पहले हम चलते सिंपल फॉर्म, तो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो एम एन हम लिख लेते हैं, एम एन अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक्स अक्ष को विभाजित करेगा किस अनुपात में, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक जीरो होता है, तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा और वाई का वैल्यू जीरो होगा। तो वाई का मान के लिए सूत्र होता है वाई बराबर, वाई का मान के लिए सूत्र होता है कि यहाँ पर एम, पहले बिंदु का सूत्र आप ज्ञात कीजिए, एक्स वाई पहले समझिए। तो यहाँ पर एक्स का मान पहले हम लिख देते सब, एक्स का मान होगा एम से गुना इसमें और एन से गुना इसमें होता है। तो एम एक्स टू, एम एक्स टू, इसको एक्स टू बोलते हैं, इसको वाई एक्स टू और वाई टू, इसको एक्स वन वाई वन बोलते हैं। तो एम एक्स टू एन एक्स वन बटा एम प्लस वन, तो वाई का मान ज्ञात करना तो इसको लिखते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस वन, ये सूत्र होता है। वाई का मान ज्ञात करने के लिए एम से गुना होगा इसमें एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस वन, यह सूत्र होता है। तो y का मान तो जीरो है, तो ऐसे सजाने के लिए समझिए जीरो यहाँ डाल दिए, m से गुना होगा ये y का मान है तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्स एम प्लस, ये n से गुना होगा माइनस थ्री में, तो माइनस थ्री में गुना होगा तो माइनस यहाँ डाल देते हैं माइनस थ्री एम बट m प्लस एन, तो m प्लस एन ये दोनों डालिएगा m और n का वैल्यू, तो जीरो हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, जीरो से गुना हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू जीरो जीरो हो गया। इधर लाएंगे तो सिक्स एम माइनस सिक्स एम बराबर माइनस थ्री एम, थ्री एन या एन है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एम बटा एन बराबर आप लिखेंगे तीन बटा छः बराबर एक बटा टू बराबर क्या होगा एक अनुपात टू, बस यही रिजल्ट बनेगा एक अनुपात टू। इस तरह से बना सकते हैं एक अनुपात टू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा एक अनुपात टू। चलिए आगे सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर नब्बे, नब्बे पर आइएगा, यह एडवांस का सवाल है, जो पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा। सवाल नंबर चलते हैं 91, 91 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे 91, उसी तरह से यहाँ पर बोलता है बिंदु एक और चार और फिर बिंदु बोलता है तीन और आठ से गुजरने वाली रेखाखंड, गुजरने वाली रेखा को, यहाँ पर 90 नंबर सवाल था ना, 90 नंबर, ये गलत लिखा गया, माइनस सार है यहाँ पर, माइनस सार और यहाँ टू और यहाँ पर आठ और तीन। तो वाई एक्स को किस अनुपात में, वाई एक्स पर एक्स नियामक जीरो होगा, मतलब कि एक्स बराबर जीरो होगा, तो एक्स बराबर जीरो होगा, तो इसको करने के लिए एक्स का मान क्या होगा, इसको एम और एन में विभाजित करेगा, तो m इसके साथ और n इसके साथ, x का वैल्यू जीरो, तो m को गुना करेंगे ये x होगा आठ एम, फिर n गुना होगा इससे माइनस फोर एन और बटा एम प्लस एन, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, आठ एम बराबर फोर एन, एम बटा एन बराबर चार बटा आठ बराबर दो बटा एक, मतलब दो अनुपात एक आंसर हो गया, दो अनुपात एक ऑप्शन नंबर सी है, ये आंसर हो जाएगा दो अनुपात एक इसमें नहीं है ऑप्शन, हाँ दो अनुपात एक तो है, 90 नंबर सवाल है, दो अनुपात एक ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल को बनाते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल परमंता या ढाल, ढाल बोला जा रहा है, तो ढाल का सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, ढाल का सूत्र यदि आप जानिएगा तो सवाल बना सकते हैं, ये भी एडवांस का सवाल है, तो सवाल देखिए आप, सवाल बोला जाए राय 91 नंबर सवाल बोलता है वन एक चार, एक और चार और तीन और आठ, तीन और आठ का ढाल क्या होगा, इसको एक्स वन इसको वाई वन, इसको एक्स टू इसको वाई टू, तो ढाल बराबर होता है वाई वन माइनस वाई टू बटा एक्स वन बटा माइनस एक्स टू, बस इसको हल करते हैं, वाई वन माइनस वाई टू मतलब चार माइनस आठ, चार माइनस आठ बटा एक्स वन वन माइनस थ्री,
इसको हल करेंगे माइनस चार होगा, इसको हल करेंगे माइनस टू होगा, ये दोनों कट गया तो दो बटा एक मतलब दो, दो बटा एक मतलब दो लिख सकते हैं, आंसर हो गया ढाल दो, प्लस में दो जाएगा, माइनस में ढाल माइनस में नहीं होता, ये आपका दो आंसर हो गया। समझ में आ गया 91 का आंसर कितना दिया देख लेते हैं इसको, आपका आंसर दो हो जाएगा, ये उत्तर दो हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। 91 का आंसर है आपका, 91 का फोर आंसर दिया गया है, फोर नंबर क्या है देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, आपका आंसर दो है। 92 पर आते हैं, 92 को समझिए। रूट अंडर थ्री कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, 92 रूट अंडर थ्री प्लस रूट अंडर थ्री, इसी तरह रूट अंडर थ्री इन्फिनिटी पर गया। इसको हल करने के लिए रूट अंडर फोर ए, फोर ए प्लस वन बटा टू और प्लस वन, ध्यान देना है कि रूट अंडर ए, ए का मान ये होता है, रूट अंडर फोर ए प्लस वन, उसके बाद प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, ये टूट नहीं रहा है, नहीं टूटेगा तो रूट ए फोर ए तो चार तिया बार प्लस वन बटा टू, ये सब में लगेगा और प्लस वन करेंगे तेरह, रूट अंडर तेरह प्लस वन बटा टू, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगला सवाल है 25 और 49 का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती बराबर रूट अंडर ए भी होता है, 93 में सवाल रूट अंडर ए भी, 25 और 49 रूट अंडर ए भी, इसको लिखेंगे 5 और 7 बराबर 35 आंसर होगी। उसी तरह 8 और 20 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, इसको बना सकते हैं, 8 और 20, 8 और 20 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, आपको हम सिखाए थे पहला दूसरा और तृतीय, तो पहला एक्स अनुपात वाई, उसके बाद वाई अनुपात जेड, ये दो डिजिट रहेगा तो इसका प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर पहला यहाँ दिया गया है 8, दूसरा 20, यहाँ पर वाई तो यहाँ पर वाई, यहाँ पर 20 और तृतीय समानुपाती ये एक्स मानना पड़ेगा। क्लास में आपको पढ़ाया गया, जो पढ़े नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा इसको हल करने में, बस एक्स का मान निकालिए आंसर होगा, ये उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं, 95 नंबर सवाल कहता है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है, इनके व्यय का अनुपात 3:4 है, तो वे यदि वह क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया की बचत करता है तो बी की मासिक आय क्या है, ध्यान दीजिए बी की मासिक आय क्या है। सवाल नंबर 95 कहता है ए और बी है, इसके आय का अनुपात 5:6 है, ये आय हो गए। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि उनके व्यय का अनुपात, इनके व्यय का अनुपात है 3:4, ये खर्च, खर्च का अनुपात होगा, यदि वे क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपये की बचत करता है, ये 1800 रुपया बचाता है और ये 1600 रुपया बचाता है, 1600 रुपया बचाता है, तो आपको बोला जा रहा है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो उसकी मासिक आय मतलब क्या, वो कितना कमाता है ये ज्ञात करना, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अनुपातिक भाग x मान लीजिए, ये खर्च y मान लीजिए, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू कितना, दोनों का आय माइनस वी आई बराबर क्या बचत होगा, 1800 रुपया ये बचाया और ये 1600 रुपया बचाया, यहाँ लिख सकते हैं 6x माइनस 4y इतना, तो यहाँ से हमको पूछा जा रहा है x का मान निकालिए, तो a का मान, x का मान हल करने पर a का मान निकलेगा, b का मान, x का मान निकाल के 6x बराबर निकालेंगे b का मान निकल जाएगा, तो दोनों का मान आंसर हो जाएगा, तो आंसर पूछा जा रहा है तो b के मासिक आय क्या है, तो b का मासिक आय 6x है तो 6x में निकाल लीजिए आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको बना लीजिएगा, अगले सवाल की ओर हम अगले वीडियो में आते हैं, तब तक लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।